आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं डायरेक्ट एक्स की एरर। जनरली किसी भी गेम में आ सकती है, अगर आपका डायरेक्ट एक्स जो आपका एप्लीकेशन है वो आपके कंप्यूटर पे अगर वो अपडेटेड नहीं है या डली हुई नहीं है। गेमिंग के लिए आप जो सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करते हो वो बहुत सारी चीज़ें उनको रिक्वायर होती हैं आपके सिस्टम से। डायरेक्ट एक्स क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके गेम के बीच में एक ब्रिज बनता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से चीज़ें लेके उस गेम को सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करता है, जिससे कि गेम आपका प्ले होता है। तो गेम आपका इंस्टॉल हो जाता है और बाद में जब आप एक गेम रन करने जाते हो तो वो रन नहीं होता है और एरर दिखाता है कि रिक्वायर एटलीस्ट जो भी वर्जन का नाम दे सकते हैं 9.0, 11, 10 की इससे बड़ा वर्जन होना चाहिए, आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे एरर्स आ सकती हैं। एरर का मैसेज डिफर कर सकता है गेम के अकॉर्डिंगली। डायरेक्ट एक्स की एरर आपके किसी भी गेम में आती है, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो सारे गेमों के लिए एक तरीके से सॉल्व हो जाएगी। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट एक्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है ऑलरेडी, पर फिर भी ये एरर आती है, तो आपको डाउनलोड तो करना होगा ही। मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट एक्स कौन सा डला हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए विंडो आर दबाइए, आपके सामने रन कमांड की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप लिखिए डीएक्स डायग्नोस्टिक्स, डीएक्स डीआईएजी लिखना है शॉर्ट में आप, और ओके करिएगा। आपके सामने ये देखिए डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल हमारे पूरे आ जाएंगे, कंप्लीट बायोस वगैरह आ गया पूरा, ठीक है, हमारे कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आ गई। और डायरेक्ट एक्स का वर्जन क्या है हमारा, 12, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही इसे डाउनलोड करेंगे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, हमने देख लिया कि हमारा डायरेक्ट एक्स वर्जन कौन सा है, अब एकदम लेटेस्ट लीजिए आप, डाउनलोड करिए। उससे पहले हमें एक चीज़ क्या करनी है, देखिए जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप देखिए रजिस्ट्री एडिट REGEDIT लिख दीजिए आप आराम से विंडो की दबा के, रन कमांड में भी ये लिख के आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आप इसको खोल लीजिए। देखिए होता क्या है, रजिस्ट्री एडिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर में। रियल लाइफ में नहीं होता, हम जमीन उमीन खरीदते हैं या कुछ करते हैं, हर चीज़ की हमें रजिस्ट्री करानी होती है। जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, हमारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब की रजिस्ट्री होती है यहाँ पे, और उनकी रजिस्ट्री कीज वगैरह, डिफॉल्ट वैल्यूज, वर्जन वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। तो अगर आपने पुराना आपका वर्जन डायरेक्ट एक्स का इंस्टॉल्ड है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे छोटी सी सेटिंग करनी होगी। देखिए सबको, सबसे पहले आपको क्या जाना है, एच की लोकल मशीन, बहुत इजी है इसका पाथ, आप कॉन्सेप्ट से समझिए कि हमारी लोकल मशीन में जाना है और उस लोकल मशीन में हमें सॉफ्टवेयर्स देखने हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर की लिस्ट है, आप यहाँ से इसको सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे एच की लोकल मशीन के बाद, यहाँ पे इसका ट्रीव्यू एक्सपेंड हो जाएगा। इसके अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर सर्च करना है ना, तो ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का ट्रीव्यू है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट लुका है, इस पे आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स आ गए सारे, अब इसके अंदर हमें डायरेक्ट एक्स मिल जाएगा, डी से आप देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। इधर देखिए एक राइट में पेन खुला हुआ है, इसमें एक तो डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट वाला आपको छेड़ना नहीं है, ना डिलीट करना है, ना कुछ करना है, पर इंस्टॉल्ड वर्जन है ना, क्योंकि हम इसको बदलने वाले हैं, तो आप इसको राइट क्लिक करके और डिलीट कर दीजिए। क्यों हम इसको डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉल वर्जन की रजिस्ट्री है ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड वर्जन है, और अब हम नया वर्जन इंस्टॉल करने वाले हैं, तो ये रजिस्ट्री भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ये भी इशू हो सकता है आपका दूसरा वर्जन इंस्टॉल हो गया हो पर आपकी रजिस्ट्री चेंज नहीं हुई हो, तो इसलिए बिल्कुल हम कंफर्म कर रहे हैं कि आपका गेम आराम से चले और आपकी ये इशू आपका सॉल्व हो जाए। तो आप रजिस्ट्री यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट करने के बाद इसको आप बंद कर दीजिए। तो इसके बाद तो देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको डायरेक्ट एक्स आपका डाउनलोड करना है। डायरेक्ट एक्स डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, मगर मैं आपको और भी तरीका बता देता हूँ। सिंपल क्या करना है, आप ब्राउज़र पर अपने डायरेक्ट एक्स लिखिए ये, और आपको सबसे ऊपर ही ऊपर डाउनलोड डायरेक्ट एक्स मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का लिंक मिलेगा। जैसे हम दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं वो बहुत सारे डाउनलोड्स के बटन होते हैं, पता लगता है कि पता नहीं क्या क्या डाउनलोड हो रहा है, अनवांटेड एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाती हैं, वायरसेस डाउनलोड हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डायरेक्ट एक्स जाना माइक्रोसॉफ्ट पे, एक ही बटन मिलेगा, कोई इशू नहीं है, आप डाउनलोड पे क्लिक करिए, ठीक है, इसमें कर दीजिए नो थैंक्स, हमें ये चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी इसलिए पूछ रहा है, तो आप इसको नो थैंक्स कर दीजिए। ये 286 KB की एप्लीकेशन है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारा सेटअप डाउनलोड हो गया,
यहाँ पे क्लिक करिए शो इन फोल्डर, आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से हमने इंस्टॉल कराया है, हमें इसके लिए अलग से कोई रजिस्ट्री वगैरह के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। आई एक्सेप्ट कर लीजिए और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, आपका ये डायरेक्ट एक्स इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बस आपको एक चीज और करनी है, वो इसलिए आपको करनी है एकदम चेक करने के लिए कि कहीं ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। मैंने इसमें ऐसी भी कई चीज़ें करवाई हैं, जैसे आपको वो हमने वर्जन डिलीट करा, इंस्टॉल होता नया वर्जन तो उसकी जगह ले लेता, मगर हो सकता वो इशू हो कहीं। ऐसे ही हमारा विंडोज़ फीचर्स टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने का एक ऑप्शन होता है, तो आपको क्या लिखना है, विंडो की दबानी है, विंडोज़ फीचर लिखिए, आपके सामने नीचे ए आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने ये एक विंडो आ जाएगी विंडोज़ फीचर्स की। इसके अंदर आप थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको मिलेगा लीजेसी कंपोनेंट्स, ये देखिए लीजेसी कंपोनेंट्स दिख रहा है आपको, इसको ट्रीव्यू को एक्सपेंड कर दिए, इसके अंदर डायरेक्ट प्ले होगा। अगर ये आपका टिक नहीं है तो इन दोनों को आप इसको टिक कर दीजिए, जैसे मेरे हो रखे हैं वैसे, ठीक है। अगर आपके चेक नहीं करे हुए हैं तो इनको चेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, बाहर आ जाइए। बस इसके बाद आप आराम से जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था अपना डीएक्स डायग्नोस्टिक लिख के, और बस अपना अपना डी यहाँ पे आप आराम से चेक कर लीजिए, और उसके बाद आराम से उसको गेम को प्ले करिए, दैट्स इट। उसके बाद आपकी किसी गेम में डायरेक्ट एक्स का तो इशू कोई नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स में, टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।